हेलो गाइस, वेलकम टू बॉलीवुड टॉप। सो गाइस, शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा की आने वाली स्टोरी में पहली बार कुछ ऐसा होने वाला है जो कि हमने तारक मेहता शो में अब तक नहीं देखा। गाइस, आने वाली स्टोरी में गोकुलम सोसाइटी के सबसे सम्मानित मेंबर, जिसका कि सभी लोग बहुत इज्जत करते हैं, यानी कि चंपक लाल दारू की पार्टी करने वाले हैं। लेकिन गाइस, ये बात सच है या फिर झूठ, ये सब तो मैं आने वाली स्टोरी में देखने को मिलने वाला है। गाइस, अगर बात करें इस समय पर अपकमिंग प्रोमो की, तो सोडी ने चंपक लाल को एक रेस्टोरेंट के अंदर उनके दोस्तों के साथ पार्टी करते हुए देख लिया है। और जब सोडी ने ये बात गोकुलधाम सोसाइटी की पुरुष मंडली को बताई कि उन्होंने चंपक लाल को उनके दोस्तों के साथ दारू पीते हुए देखा है, तो किसी ने भी सोडी की इस बात का विश्वास नहीं किया। लेकिन गाइस, इन सबके बीच में सबसे बड़ी बात यह है कि सच में चंपक लाल ने दारू की पार्टी की है। हम सभी को पता है कि चंपक लाल ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जो भी सोडी ने देखा वो सब कुछ गलत था। तो गाइस, अगर चंपक लाल ने दारू की पार्टी नहीं की है, तो आखिरकार ये कौन है जिसने दारू पी है? क्या वो चंपक लाल का कोई डुप्लीकेट है, या फिर खुद ब खुद चंपक लाल है? गाइस, हो सकता है कि चंपक लाल के जैसा दिखने वाला कोई और पर्सन हो, जैसे कि सोडी ने देखा हो, क्योंकि एक्चुअली में तो चंपक लाल ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले। गाइस, आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या सच में चंपक लाल है, या फिर कोई उनका डुप्लीकेट? गाइस, आपकी इस बारे में जो भी राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बॉलीवुड टॉप को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि नई वीडियो की जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे।